अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको सच में ये बहुत पसंद आने वाला क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोना, मेरे रसोई घर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में करीबन 2 चम्मच घी ले लेंगे क्योंकि ये डेजर्ट घी में ही अच्छा लगता है। अब मैं 2 चम्मच कटा हुआ बादाम ले लूँगी और 2 चम्मच कटा हुआ काजू। इसे हमें धीमी आंच पे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे इसे हम। और ये फ्राई हो चुका, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं सेम पैन में ही मोटी वाली सेवई को मैं भून लूँगी धीमी आंच पे। ये करीबन आधा कप है तो इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए भूनूंगी। हमें मोटी वाली सेवई का यूज़ करना है, पतली वाली सेवई का नहीं। अगर आपकी सेवई ऑलरेडी भुनी हुई है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सेवई काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें 4 कप दूध डाल दूंगी और इसे धीमी आंच पे, सॉरी मीडियम फ्लेम पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक पका लेना है और इसे कंटिन्यू चलाना है। इसके ऊपर हमें मलाई जमने नहीं देना है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह दिखेगा बट ये कस्टर्ड का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई कस्टर्ड चीज़ नहीं डाला है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक हमें पकाना है तो इसे छोड़ देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 4 पके हुए आम ले लिए। ये अल्फांजो आम है, इसमें रेशे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जहाँ तक हो सके, पॉसिबल हो, आप बिना रेशे वाला ही आम इसमें यूज़ करें। तो इसमें मैं 3 आम का पल्प निकाल लूँगी और 1 आम के छोटे छोटे चंक्स काट लूँगी। उसे हम सर्व करने में के टाइम यूज़ होगा वो। सो मैं इसे अच्छे से ऊपर का टॉप काट के और पिलर की मदद से अच्छी तरह से मैं इसे छील लूँगी। आप चाहे तो इसे नाइफ से भी छीले लेकिन पिलर से काफ़ी आसानी से छिल जाता है ये। सो बिल्कुल हमें इसी तरह से छील लेना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे आम को छील लिया है। अब मैं इसमें 3 आम के पल्प निकाल लूँगा और 1 आम के छोटे चंक्स कर लेंगे हम इसे। सो फ्रेंड्स, हमें इसे मिक्सी के जार में डाल के हम आम के सारे प्यूरी को तैयार कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे आम को मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है। सो फ्रेंड्स, करीब 7 से 8 मिनट तक मैंने इस दूध को पका लिया है। आप देख सकते हैं सेवई भी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और दूध भी हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये हल्का मीठा ही ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं इसे फिर से 4 से 5 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए पका लूँगी ताकि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। करीब 5 मिनट बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है लेकिन हमें इसे फिर भी चलाते रहना है ताकि इस पर मलाई ना जमे। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, तो हम इसे चलाते ही रहना है। जब ये टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमें एक अलग से बाउल में ट्रांसफ़र करके इसे हम डीप फ्रीज़र या फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम आम का पल्प यूज़ करेंगे। क्या अगर आपका दूध गर्म होगा तो दूध फट जाएगा आम का प्यूरी डालते ही। सो आप ध्यान रहे कि ठंडा होने के बाद ही हम इसमें आम का प्यूरी यूज़ करेंगे। करीब 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा दूध एकदम ठंडा हो चुका है। मैंने इसे डीप फ्रीज़र में डाल रखा था और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है। सो अब मैं इसमें जो हमने नट्स फ्राई किए थे, हम इसमें थोड़ा सा नट्स डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे सर्व करने के लिए। तो इसमें मैं सारे नट्स डाल दूँगी और मैंने थोड़ा बचा के भी रखा है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आम की प्यूरी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। सो मैं इसे फिर से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि ये डेजर्ट एकदम ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। इसे मिक्स करने के बाद मैं फिर से इसे 20 मिनट के लिए रख दूंगी एकदम ठंडा होने के लिए। और साथ ही मैं थोड़ा सा आम के चंक्स भी डाल दूंगी, इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से मैं फ्रीज में रख दूंगी करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसी तरह भी खाएं लेकिन ये एकदम ठंडा ही अच्छा लगता है ये डेजर्ट। सो मैं इसे वापस रख देती हूँ। करीब 15 मिनट बाद ये एकदम ठंडा हो चुका है और ये ठंडा ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप जहाँ तक हो सके आप इसे ठंडा ही खाएं। सो मैं इसे अब हम सर्व कर लेंगे।
तो मैंने इसे एक बाउल सर्विंग बाउल लिया है। अब मैं इसमें सारे आम के डेजर्ट को डाल दूंगी। अब मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया हुआ नट्स डाल देंगे इसमें और ऊपर से थोड़ा सा आम के चंक्स डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।